परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे एक बात करने के लिए यहाँ आया हूँ कि हमारे विरुद्ध में किसी ने शिकायत की है और शिकायत ये की है कि इन्होंने चर्च के अंदर तय खाने बनाए हैं और चर्च के अंदर बंकर बनाए हैं, चर्च की ज़मीन पे बंकर बनाए हैं। तो वो अभी एक घंटा पहले मुझे बुलाया गया था इसके इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए। तो मैंने उन्हें बताया कि आप मौके पर जाकर देखो कि वहाँ बंकर है, जहाँ तय खाने हैं या नहीं हैं। तो ऐसे ही झूठी शिकायत किसी ने की थी, आपको मालूम है कौन लोग करते हैं। और उन्होंने ही बहुत साल पहले हमारा एक प्रार्थना सभा थी, हीलिंग क्रूसर था, उसमें आकर उन्होंने कुर्सियां फेंकी थी, कुर्सियां वगैरह तोड़ी थी, अंदर आकर हंगामा किया था। और फिर पुलिस ने, मैंने नहीं, पुलिस ने उनके ऊपर केस कर दिया था। और फिर मैंने केस उनके ऊपर चल रहा था, वो जवान थे, और मैंने फिर जज साहब के पास जाकर कहा था कि इन्हें आप क्षमा कर दो, इन्हें इनके भी केस जो है ख़त्म कर दो, इनका जो विषय वो ख़राब हो जाएगा। तो जज साहब भी बहुत खुश हुए थे और केस फिर मैंने वापस ले लिया था। अब जब हम लोगों ने यहाँ पर ज़मीन ली चर्च के लिए, तो उन्होंने फिर शिकायत अब कर दी है। शिकायत की को तो उन्होंने दिसंबर में की थी, 12 तारीख के आसपास, 12 और 13 दिसंबर को, लेकिन एक महीना हो गया है। मुझे आज बुलाया था इसके बारे में पूछताछ के लिए। तो मैं आपको भी थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ चर्च में जो क्या हो रहा है, कहाँ बंकर हैं। और उन्होंने BSF को भी शिकायत की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी, कि यहाँ बन रहे हैं। तो BSF के भी कुछ अधिकारी आए थे और उन्होंने भी देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा बंकर नहीं है, कोई कुछ नहीं, तय खाना नहीं है। तो आपको भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जो विरोध करते हैं। तो यहाँ ये छोटी सी नहर है, कस्सी कहते हैं इसे, और यहाँ पर ये चर्च है। तो आप देख सकते हैं ये सब बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और नीचे सब पौधे लगे हुए हैं, आम के, अमरूदों के, और सब यहाँ पर हम लोगों ने लगा रखे हैं। और ये जो है वो गेट बन रहा है, तो ये गेट बन रहा है। आप देखेंगे ये खजूर के बड़े बड़े पेड़ जो हैं, ये हम लोग लेकर आए हैं, ये इधर भी है। और इस जो गेट का नाम है वो खजूरी गेट है, यानी कि ये जो गेट है वो खजूरी गेट है। और जो गेट बन रहा है, वो गेट जो बन रहा है, ये बड़े पिल्लर हैं, ये बीच में कच्ची दीवारें कर रही हैं, और उसके ऊपर खजूर का पत्ता बनेगा, जो पिल्लर हैं ये खजूर बनेगी जैसे, और ये गेट का जो डिजाइन है पूरा पूरा ये खजूरी गेट है। तो यहाँ काम चल रहा है। तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ चर्च के बाहर कहीं पर भी कोई बंकर नहीं है, चर्च के बाहर कोई भी वो नहीं है। और अंदर भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अंदर देखिए। तो अभी हम लोग जो हैं यहाँ पर अंदर चर्च के अंदर आ गए हैं। तो चर्च के अंदर ही आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर एक छोटा सा एक पूजा स्थान बनाया है, पूजा स्थल बनाया है, जिसे चर्च कहते हैं। ये बोर्ड दिखाना इनको, और ये एक उसका बोर्ड लगा हुआ है, चमत्कार चर्च ऑफ जीसस, एक पूजा स्थल बनाया है। और ये जो है एक छोटा सा है, जैसे ऐसे 50 फुट लंबा है और 10 फुट चौड़ा है। और आगे पूरा आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो है ये पूजा स्थल है, और इधर एक रूम है, इसको तो जैसे चौकीदार के लिए और उस सब के लिए बनाया था, जिसके अंदर थोड़ा बहुत सामान वगैरह रख लेते थे। और आप देखेंगे ये कच्चा है, टेम्परेली है ये, इसको तो हटा दिया जाएगा बाद में। और इतनी सारी मिट्टी यहाँ पर हम लोगों ने ये भर्ती डाली है, मिट्टी डाली है, वो वहाँ तक नीचे था ये सब, पूरी ज़मीन जो है ये 2 बीघा ज़मीन है, और ये नीचे थी, और ये हम लोगों ने मिट्टी डाली है, और बहुत लंबा समय लगा इसको पूरा करने में। तो इसलिए यहाँ भी कोई
वो बंकर वगैरह कोई नहीं है, ना ही कोई तहखाना है। और ये दीवार आप देखेंगे तो ये दीवार ऐसे 330 फुट लंबी दीवार है। और आगे चलकर भी मैं आपको ये मैं जो है दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तहखाने नहीं है और बंकर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए भी मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ कि देखो विरोधी लोग जो हैं कैसे कैसी बातें निकालते हैं। तो ये जो है पब्लिक के लिए जो है वो बाथरूम बन रहे हैं, टॉयलेट ब्लॉक है ये सारा एरिया। ये बाहर की दीवार है जो जिसके ऊपर अभी जो पूरा डिजाइन तो बनेगा, लेकिन इन सब के ऊपर क्रॉस बने हुए हैं। ये बाहर की दीवार है सारी लंबी। और ये जो है ये टॉयलेट ब्लॉक है, बहुत बड़ा टॉयलेट ब्लॉक हम लोग बना रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। और इसमें भी आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये सेफ्टी टैंक है और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी कोई भी बंकर या कोई कुछ नहीं है आपको मिलेगा। और ये जो है टॉयलेट ब्लॉक है पूरा, ये यहाँ पर वो जो है वो बाथरूम वगैरह बनेंगे, पूरा एरिया जो है वो टॉयलेट बाथरूम वगैरह के लिए ये रखा गया है। ये बहुत बड़ा है एरिया, बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर। और फिर आप इधर देखिएगा आगे, जैसे ही ये टॉयलेट ब्लॉक खत्म होता है तो यहाँ पर, हालांकि यहाँ अभी तो वो आग बुझाने के लिए जो फायर की सेफ्टी के लिए बनेगा वो सब कुछ बनना है यहाँ पर तो। और ये पूरा एरिया जो है ये चर्च का एरिया है। और आगे तक आगे जो है एक पानी की डिग्गी बनाई हुई है और आप देखेंगे ये पूरा ग्राउंड पूरा जो है वो खाली है। और पास में जाकर भी आपको दिखा देता हूँ कि कहीं अंडरग्राउंड तो कुछ बना तो नहीं है। ये जो हम लोगों ने किया हुआ है, बरसात यहाँ पर काफ़ी हुई है और फिसलन है नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बार हम लोगों ने टेम्परेली बनाया हुआ है, टेम्परेली बनाया है, स्टेज बनाई है ताकि टेंट लगाकर हम लोग प्रार्थना कर सकें। एक बार टेम्परेली बनाई है, बाद में ये पक्का स्टेज बनेगा। उसको अंदर से भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, उसका भी काम चल रहा है। तो ये एक बार स्टेज के लिए बनाया है और ये मिट्टी से बनाया है आपको मालूम है। इसके अंदर पास लेके इसके अंदर जो है अभी मिट्टी डाली जाएगी क्योंकि बरसात काफ़ी हो गई थी, इसलिए काम को थोड़ा रोकना पड़ा था। और इसके अंदर मिट्टी डाली, ये ऐसे 40 फुट ऐसे है और 25 फुट ऐसे है। एक बार इसको टेम्परेली जो है वो स्टेज बनाई जा रही है और असल में जो है वो बाद में स्टेज पीछे बनाएंगे हम लोग। और यहाँ भी कोई ना तो कोई बंकर है और ना ही कोई तहखाना है। और आगे आप आइएगा, यहाँ पर एक पानी की डिग्गी है, यहाँ जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये पानी है, इसमें अंदर पानी की डिग्गी है। और हमारा जब पानी आता है तो इसके अंदर हम लोग इसको पानी को भर लेते हैं और फिर पौधों को लगाने के लिए और जो काम चल रहा है वहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए। ये पानी नहर का पानी है, ये ट्यूबवेल का पानी, नहर का पानी ये है। तो ये आप पीछे तक इसको देखिएगा और यहाँ अभी मिट्टी जो है वो पत्ती डालने वाली है। मैं सारे कोने आपको दिखा रहा हूँ, इस कोने में देखिएगा यहाँ ये है डिग्गी है पानी के लिए। और यहाँ खाला भी बना हुआ है क्योंकि उधर से पल्ली साइड से हमारे वो इसको पानी लगता है।
तो इसलिए इसको काम को अभी इस साइड में अभी ऐसा ही है। और यहाँ पर तो मिट्टी डाल दी है, यहाँ पर अभी जो है वो भर्ती डालने वाली है, क्योंकि ये बहुत मिट्टी इस पर डालनी पड़ी हम लोगों को, भर्ती डालनी पड़ी। और ये सब अभी एरिया बाकी है इसको पूरा करने वाला। और लास्ट तक यहाँ मैं आपसे कहूँ, यहाँ कोई भी तय खाना नहीं है। तय खाने का तो किस लिए तय खाना बनाना, हम तो अपने देश में रहते हैं ना, और हम अपने देश के ही हैं। ये तो इनको सोचना चाहिए जो शिकायत करने वाले हैं लोग हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ऐसे लोगों को ऊंचा नहीं करना चाह रहा जिन्होंने शिकायत की है, और किस वो संस्था से जुड़े हुए हैं उसका भी नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, फिर मैं ऐसे हाईलाइट उनको नहीं करना चाह रहा। तो आप पूरा चर्च के ग्राउंड को देख लीजिए, ना चर्च के अंदर ना कहीं भी कहीं पर भी ना तो कोई बंकर है और ना कुछ हो रहा है। और मैंने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा मौके पर जाओ और मौके पर जाकर आप इस बात को लिखें रिपोर्ट के अंदर, लिखें कि वहाँ पर कोई बंकर नहीं है, और उस रिपोर्ट में लिखें कि यहाँ पर कोई तहखाना नहीं है, ये शिकायत झूठी है। तो आज से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। ऐसे विरोधी लोग जो हैं बहुत सारा फालतू का विरोध करते हैं, और किसी न किसी तरह से उनके मन में यही है कि कैसे ना करें और चर्च को जो है हटाया जाए, वो उनकी कोशिश यह है। और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि इस चर्च को जो निर्माण है उसको हटा दिया जाए, और ऐसा विरोध करते हैं। तो आप लोग प्रार्थना करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और मुझे इस बात के लिए आज बुलाया था, लगभग डेढ़ घंटा पहले की बात है, एक डेढ़ घंटा पहले की बात है, और वहाँ से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि एक रिकॉर्डिंग हम लोग आज की कर लें कि यहाँ कुछ क्या कुछ बना हुआ है और क्या कुछ नहीं बना हुआ। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं की हमें ज़रूरत है, आप प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर आपको ब्लेस करें।